हेलो। हेलो सर, हाँ जी, क्या क्या कर रहे हैं सर जी? कुछ बैठे हैं ऑफिस में, तुम बताओ जी क्या कर रहे हैं। नहीं, बस तो कह रहे थे आप दे दो सामान। दे तो मैं अरे तू देखा रही है। नूना ले रही थी परसों। मैंने तुमसे कही ना थी कि मैं यहाँ पूनम का आ गई, तो फिर क्या नाम है? फिर मैंने तुमसे मना कर दिया। तुमने कह दिया तुम मुझे मत फंसा दियो, मैं दूंगा हाँ बात तो सही है। तो मैं नहीं फंसाना चाहिए, लेकिन नाम ना लियो मेरा। तो अब है ना मुझ पे। मैं तुमसे क्या दिन से कह रही हूँ, मुझ पे है ना? निकाल दे। हाँ 15-20 दिन से कह रही हूँ, तुमसे है दाल नहीं? है नहीं, इसमें मैं तुमसे 15-20 दिन से कह रही हूँ, मुझ पे है नहीं। तुम दे दो, तुम दे नहीं रहे मुझे। दे दो आज बच्चे। दे तुमने नूना गई थी, पर कल नू हरे वाले पीर पाई हो, देना। कौन जाएगी? वहां जाऊं? ऐसा ना, मेरी शुरुआत पहले हाँ बताओ। डोला में भी ये हो रहा, कौन कौन बेच रहे हैं? तेरा नाम भी परसों आया था यहाँ, भोसड़ी अच्छा का कह रहा था कि डोला में वो बेच रही पर्सी, अच्छा तो नाम अब जो है तकड़ी चेकिंग चल रही है इस टाइम जो है। तो अगर तू बेचेगी तो कहाँ बेच, कैसे बेचेगी ये बता। डोला वाले लेंगे भोसड़ी का आगे, बागपत बेच लूंगी मैं। ठीक मैं वही तो कह रहा हूँ। डोला मत देना माल को बहन करोड़ों के, है, तो तुम मुझे दे दियो 2 किलो, फिर 2 ना 3 किलो ले फिर, तीन दे दो। तो मुझे भी जरूरत है ना पैसे की। अच्छा, तुम्हें जरूरत है पैसे? क्या रेट दोगे? साथ को ना क्या करना है? चलो साथ कोई। हाँ साथ कोई कहते। मैं तुमसे मगर एक मुझे साथ को दे रहा, मैं तू किसी से ले, मतलब मामला भी बहुत लंबे, बहुत लंबे टारगेट चल रहे हैं। तो चलो तुम्हें दे दियो मुझे 3 किलो। हाँ 3 किलो दे दूंगा, लेकिन इस तू डोला में नहीं बेचेगी, सर पर रहेगी देख ले। ठीक है, मैं डोला मेरा बेचने की। कुछ हाँ तो मैं तुझे टाइम शाम दोगे? के टाइम, किस टाइम आएगी तू? 5-6 बजे जी। ऐसा ना, मैं अभी स्टोर साहब गए बागपत, कभी वो भोरे का वहीं रस्ते मिल जा, मैं शाम को मौका देकर तुझे फोन मार दूंगा, ठीक है ना? ठीक है ठीक पैसे वैसे लेकर तैयार है ना? दूसरी बात है, मैं तुझे मौका मार फोन मार दूंगा, और उसके ठीक है ठीक बाद तो चुपचाप ले लीजिए, ठीक है ना? ठीक ठीक है जी। ठीक। आज 25 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर एक ऑडियो का वायरल होना प्रकाश में आया है। इस संबंध में अवगत कराना है कि 22 अक्टूबर को आंतरिक जांच में ये ऑडियो प्रकाश में आया था। 22 अक्टूबर को ही जांच के आधार पे संबंधित पुलिस कर्मचारी जो कि सिंघावली अहीर थाने पर तैनात था, उसको 22 अक्टूबर को निलंबित कर दिया गया था। उसके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई प्रचलित है। इस पूरे प्रकरण में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।